फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। चलो आज की मुर्गी पालन की टॉपिक है, जब हम खुड़क बिठाते हैं, अंडों पे बिठाते हैं मुर्गी को, तो एक दो दिन बाद फिर अंडे ऐड कर सकते हैं क्या, उसको डाल सकते हैं क्या वो मुर्गी को, ये टॉपिक होगी। अगर से डालते हैं तो कितने अंडे डालना है, नहीं डालना है तो किस वजह से नहीं डालना है, ये पूरे इन्फॉर्मेशन दूंगा ये वीडियो में, आपको देखते जाइएगा। अगर से वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक मार देना, मेरे हर वीडियो से आपको चाहिए तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है दोस्त, बस वो दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे हर वीडियो आएंगे। चलो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, अभी टॉपिक में चलते हैं। मान लीजिएगा आप 10 अंडों के साथ एक मुर्गी को आज अंडों पे बिठाए हो, खुड़क बिठाए हो उसे। भाई हम नहीं बिठाया कहकर मत बोलना, इमेजिन करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर आ सकती है या कुछ भाइयों को आ भी रही होगी। ओके दोस्त, 10 अंडों के साथ मुर्गी को बिठाए हो, फिर कल या परसों के दिन आपको और 5 अंडे निकले हैं आपके फार्म में या कहीं से लाए हो, फिर वो अंडों को ऐड करना समझ रहे हो। बेशक ऐड कर सकते हो वो अंडों को, पर कब निकलेंगे वो 22 डे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके दोस्त, 22 या 23 डे तक। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक या दो अंडे रहे तो आप कल ऐड कर सकते हो, या परसों के दिन आपको ऐड नहीं करना है, तीसरे दिन पे, दूसरे दिन पे आप ऐड कर सकते हो एक दो अंडों को, पर आपके पास अभी 5 अंडे हैं। ओके दोस्त, 5 अंडे 5-6 अंडे ज्यादा अंडे हैं, ज्यादा अंडों को 10 अंडों के साथ मिलाना समझ लो। 10 अंडे जो खुड़क बिठाए हो मुर्गी को, तो एक 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, मान लीजिए 5 दिन बाद आप और एक 6 अंडे या 7 अंडे उसको डालना समझ रहे हो, या 18 का सेट बिठाना समझ रहे हो। जो 10 का सेट है उसको 18 का सेट बनाएंगे समझ रहे हो 5 दिन बाद। बेशक मिला सकते हो 8 अंडे हो, तो आप 8 अंडे 5 या 6 या 7 8 इस तरह के इतने अंडे हो तो 21 डे पे जो 10 दिन बिठाए हो, 10 अंडे बिठाए हो, 10 दिन मतलब 10 अंडे मुर्गी को पहले बिठाए हो, 21 डे पे निकल जाएंगे। तब क्या करना है आपको, 21 डे के बच्चों को आप निकाल लेना है बाहर, निकाल लेकर उसको सेपरेट वेदर में टेम्परेचर में रखकर 32 डिग्री सेल्सियस मेंटेनेंस कर उसको वो बच्चों को खाना पानी दे सकते हो दोस्त। उसके बाद मुर्गी को उसी तरह बिठाना है, पर याद रखना है ये नाइट के टाइम पे, आप हमेशा शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे बच्चों को बिठाइए, बच्चों को बिठाइए मतलब अंडों पे मुर्गी को बिठाइएगा। ओके दोस्त, तो फिर वो 21 डे इवनिंग पे बच्चे निकलेंगे वो मुर्गी के, तो जब वो मुर्गी को अलग नाइट के टाइम पे अलग वो 10 बच्चों को निकाल लेना है, फिर वो 5 या 8 अंडे उसी तरह रहते, तो वो मुर्गी को उसी तरह अंडों पे बिठा देना है और ऊपर से टोकरा ढाप देना है आपको, तो मुर्गी नहीं उठेगी, क्योंकि 10 बच्चे जब निकलते हैं 21 डे पे तो मुर्गी उठ जाने के चांसेस है, तो इस तरह उठ जाएगी, तो वो 10 या 8 अंडे, जो 5 या 8 अंडे बचे हुए वो अंडों में से बच्चे कहाँ से निकलेंगे, मुर्गी नहीं बैठी तो। इसीलिए आपको इवनिंग टाइम पे मुर्गी को खुड़क बिठाइएगा, इवनिंग टाइम पे 21 डे पे बच्चे निकलेंगे आपको, तो बच्चों को अलग ले लीजिएगा। उसके बाद आप जो 5 दिन या 6 दिन या 4 दिन के भी, 4 दिन के बाद भी अंडों को जो बिठाए हो आप ऐड करे हो, वो अंडे फिर 5 दिन लगेगा उसको टाइम, उसी तरह मुर्गी अंडों पे बैठ जाएगी, बस वो बैठना है तो आपको शाम के टाइम पे बच्चों को निकाल लेना है। ओके दोस्त, ये अलग से निकालना है, मुर्गी को पकड़ के उठा के नहीं निकालना है, अलग उसके पेट के नीचे से वो बच्चे निकाल देकर और उसका जो छिटला रहता है वो भी निकाल देकर आपको वो अंडे उसी तरह रखकर मुर्गी को बिठा देना है। और आपको ध्यान से याद रखना है, एक छोटा सा टोकरा उसके ऊपर ढांपना है, नहीं तो वो बच्चों की साउंड सुनकर निकल जाती है, भाग कर आ सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह आप अंडे मिला सकते हो। ओके दोस्त, क्योंकि सिर्फ अंडे बच्चे बनने के लिए उसको वेदर टेम्परेचर मतलब 98 फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट पे आपको वो अंडे मुर्गी फेंकती है, वो वेदर चाहिए और रोटेशन भी करती है मुर्गी। ओके दोस्त, ये हो तो मुर्गी आराम से बच्चे निकालती है। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ नाइट के टाइम पे बिठाना है और नाइट के टाइम पे 21 डे पे बच्चे निकल जाएंगे, अनामत वो बच्चों को, मुर्गी को ज़्यादा नहीं पता चले तक वो बच्चों को निकाल लेना है, निकाल कर वो अंडों पे उसी तरह बिठा दे सकते हो। फिर वो 5 दिन बाद, कितने दिन बाद आप अंडों को बिठा ऐड करे हो उतने दिन बाद वो बच्चे निकलेंगे। ओके दोस्त, ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी। ओके, इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा हमेशा, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर से वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक मार देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। दोस्तों, कुछ दिन से कुछ कामों की वजह से ठीक से टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आपके कमेंट्स का रिप्लाई ठीक तरह से नहीं दे पा रहा हूँ। जो स्टार्टिंग में मेरा साथ दिए, जो भाई जो दोस्त, उन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसीलिए अगर से मेरा कमेंट्स, आपके कमेंट्स का रिप्लाई ठीक से नहीं आया हो तो प्लीज़ फील मत हुई है। ओके दोस्त, हमेशा आप जो स्टार्टिंग के सफ़र में मेरा साथ दिए, हमेशा आप यहाँ होंगे, और जो भी भाई जुड़ रहे हैं और वो भी यहीं होंगे। ओके दोस्त, इसलिए अगर से आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं आया होगा तो
मुझे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है यार उतना, क्योंकि बहुत कामों की वजह से कुछ ये बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए प्लीज़ फील मत हुई दोस्त। ओके, थैंक यू।